हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डे 3 इन बैंगलोर। तो आज सुबह बहुत धूप है, तो अभी हम कहीं नहीं जा रहे, देखते हैं शाम को थोड़ा सा निकल सकते हैं। अभी मैं आई हूँ छत पे, तो मैं आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाती हूँ कैसा है। इतना सुंदर सा फ्लावर्स एवरीवेयर। तो ये सब ब्यूटीफुल फ्लावर्स मेरी दीदी और जीजू ने इन सब का गार्डनिंग किया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, तो अच्छा लगता है देखने में सब छोटी छोटी चीज़ें। मुझे वैसे भी पेड़ पौधे बहुत पसंद है। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं। और ये देखिए मटन मैरिनेट किया हुआ है, ये हमारे आज के शेफ मेरे जीजू। तो ये आज हमारे लिए स्पेशली मटन बना रहे हैं, मटन कोशा। तो वो मुझे रेसिपी बता रहे थे और मुझे बोल रहे हैं कि बता अपने व्लॉग में बता रेसिपी बता। तो ये तेल गरम करके उसमें सब मसाले वगैरह वो डाल रहे हैं, हल्दी नमक वगैरह सब कुछ डाल रहे हैं। और इधर मटन को मैरिनेट करके रखा है दही वगैरह से, सब कुछ मिक्स करके मैरिनेट करके 30 मिनट्स रख दिया है। तो अभी ये सूखी मिर्ची उन्होंने डाल दिया है गरम तेल में। तो ये गया तेज़पत्ता, अब इन सबको थोड़ा सा भुनेंगे। वो ये दे दिया उन्होंने दालचीनी, और ये मतलब गरम मसाले सब कुछ वगैरह, इलायची गरम मसाला सब कुछ डाल दिया है। तो चलिए उनका रेसिपी आप सबको बताती हूँ। बहुत एक्साइटेड है जीजू मेरी व्लॉगिंग को लेके। तो अच्छा लगता है जब घर वाले भी सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो वैसे तो मैं फुल टाइम ब्लॉगर नहीं हूँ, पर ऐसे बाहर जाती हूँ तो थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। अभी उन्होंने ये बारीक से काटा हुआ प्याज उन्होंने डाल दिया है गरम तेल में, अभी हम सबको भूनेंगे। थोड़ा टाइम भून लिया उन्होंने, ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा और हिलाएंगे जीजू। ये रहा, अच्छा सा स्मेल भी निकल रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा, अभी वो डाल रहे हैं, ये रहा मटन डाल दिया है उन्होंने। चलिए चलते हैं, मटन डाल दिया है। टेस्टी टेस्टी मटन आज खाने मिलेगा बहुत दिन बाद। चलिए देखते हैं उनका रेसिपी आगे कितना बढ़ता है। अच्छा लग रहा है देख के, देखने में तो टेस्टी बनेगा। चलिए बनते हैं। अभी कुछ टाइम पकने के लिए दे दिया है, तो मटन का कलर अभी ऐसा हो गया है, तो और थोड़ा टाइम ये पकेगा। तो अभी पक रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, नाइस। तो मटन का तो बहुत अच्छा सा एक स्मेल आ रहा है। तो चलिए
देखते हैं मटन का टेस्ट कैसा आएगा। और थोड़ा टाइम इसको रख देंगे ढक के। अभी और थोड़ा टाइम हो गया है, जीजू ने इसे खोल दिया है। अभी बहुत अच्छा और अच्छा सा स्मेल आ रहा है, मतलब अभी फाइनली मटन बन के रेडी है। अभी हम मटन खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे पुलाव के साथ, उसके बाद हम उठ के देखते हैं। ये हो गई है शाम, हम अभी आ गए हैं रेडी होके फिनिक्स मॉल पे, जो बैंगलोर का वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल है। तो चलिए, ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है ना, बाहर कितनी भीड़ है, आज वीकेंड है बोल के। तो ये रही दीदी, तो हम वेट कर रहे हैं, हम अभी बाहर जाएंगे। तो जीव ने मुझे बोला कि तो अच्छा सा वीडियो बना ले बाहर का, उसके बाद चल चलते हैं अंदर। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये हम आ गए हैं अंदर, अभी हम चलते हैं थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, उसके बाद घर के लिए निकल जाएंगे। शॉपिंग तो कुछ करना नहीं है, जस्ट ऐसे ही घूमने आए हैं, थोड़ा सा टाइम पास। हम जा रहे हैं ऊपर, देखिए कितने सुंदर सुंदर लाइट्स है ना, इतना सुंदर लग रहा था नज़ारा, और इतना भीड़ था ना, लग रहा था पूरा शहर उठ के इधर ही आ गया है। कुछ फंक्शन हो रहा था तो वही देखने हम अभी नीचे आए हैं। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हैं, तो यहाँ हम घूम रहे हैं थोड़ा स्टॉल्स में। उसके बाद ये रहा फंक्शन, है मॉल से बाहर आते ही मुझे यहाँ मेट्रो दिख गया, मैंने उसका भी एक वीडियो खींच लिया। तो उसके बाद ये रहा वो वीडियो फिर से, जो मैंने थोड़ा अच्छे से शूट किया था, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा था, ये जगह बहुत सुंदर था। तो यही सब देखते देखते वापस हम घर भी आ गए, तभी हम खाना खा के सो जाएंगे। कितना